हम आप सबके ऊपर कोई बात थोपने नहीं आए, हम तो आप सबके पास अपील लेकर एक अपील है, इल्तिजा है आप लोगों से। बिरादरी का गम बहुत बड़ा गम है, ये हमारे 55-60 टन गोश्त करते भी और हम बेचैन रहते हैं कि हमारा कोई बेइज्जती ना हो जाए। लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने घर पर 1 किलो गोश्त लेकर आते हैं, उसके हड्डी भी साफ चाहते हैं, हम 1-1, 2-2 किलो गोश्त टेबल पर खराब करके चले जाते हैं। तो हमारी सबसे अपील ये है, अपना समझ के, अपना प्रोग्राम समझ के, प्रोग्राम में मतलब जो खाना खाइए, आप सबसे अपील है एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हम ये दो बात लेकर आए हैं आप लोगों के पास, अगर आप सबकी राय होगी तो इंशाल्लाह काम आगे बढ़ेगा। पहली बात तो यह है, देखिए बेटी वाला 100 आदमी लेकर आता, लेकिन नाश्ते हमारे 600, 700, 800, 1000 तक पहुंच रहे हैं। कहां से आ रहे हैं ये लोग, भाई बेटी वाला 100 आदमी ला रहा है, 100 आदमी बेटे वाले ने इकट्ठे कर दिए और 1000 आदमियों का नाश्ता लग रहा, तो ये नाश्ता दस्तियारी झूठ ये बंद हो जानी चाहिए, अगर आप सबकी राय होगी। भाई बेटी वाला आए अशोक से वली में, मैं जो खाना सब मेहमान खा रहे हैं वही बेटी वाला खाए, बेटी वाला झूठ ना देगा और बेटे वाला नाश्ता नहीं कराएगा। एक तो ये अपील है आप लोगों से। दूसरी चीज ये है कि कढ़ाई भी बंद हो जानी चाहिए, कढ़ाई सोच खाना कोई सा भी हो, आपका कोई पाबंदी नहीं है, खाना आप बकरे का दो, भैंस का दो, मुर्गे का दो, कोई पाबंदी नहीं, चाहे जिस तरह खिलाओ, मेहमान नवाजी करो, लेकिन ये फ्राई रोज खा रहे हैं हम, लेकिन रोज जब कढ़ाई लगती है तो हम झमघट लगा के टेबल तक फेंक देते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। ये प्रोग्राम हमारा है, बेटी वाला भी हमारा है, हमारे शहर वालों का ये हक बनता कि उस प्रोग्राम को सजाएं संवारें और उसका साथ देकर प्रोग्राम को बहुत फुर्सत से निपट पाए। तो ये बातें हैं। और एक चीज और है भाई जी, स्टेज पर जो है, स्टेज पर मुख्तसर खर्च हो मुख्तसर, देखिए हमारे अलावा कोई 10% मस्जिद में नहीं देता, ये बेटे वाले को ऊपर छोड़ दिया जाए कि निकाह पढ़ाने क्या देना, जूती चुराई क्या देनी, और उसे मतलब जो है मस्जिद में क्या देना, वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, उसको थोपो मत, उसका मन करे 11,000 दे दे, उसका मन करे 5100 रुपए दे दे, तो ये मुख्तसर खर्च करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम आगे बढ़ेगी। मेरी तो आप सबसे ये अपील है, इसी का है आप साथ जोड़कर, आप साथ हमारा साथ दें और इस काम को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम।